ださいよ。साईं तो ध्यान में है, फिर प्रवचन का क्या? प्रवचन होगा भाई जाका के। साईं ने कहा था कि उनके ध्यान से लौटने पर प्रवचन होगा, लेकिन वो कब ध्यान से लौटेंगे और कितना समय लगेगा ये नहीं कहा। जरूर किसी को सही राह दिखा रहा होगा मेरा साईं। कहाँ जा रही हो बेटी? आगे घना जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं वहां, अकेले जाना खतरनाक है। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती काका। ऐसा क्यों कह रही हो? जिंदा रहकर अपने मायके वालों की परेशानियों का कारण बनूंगी, मेरे मर जाने में ही उनकी भलाई है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर जाओ। बेटी, जाते जाते बस एक बार अपने दाएं और बाएं जरूर देख लेना। बेटी, बेटी सुगंधा। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। तुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगा। मेरी जान तुझ में बसती है बेटी, तू अपनी जान ले लेगी तो मेरी जान कैसे बचेगी?
मैंने अभी जो देखा, क्या वो मेरा भविष्य था काका? तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे मायके की परेशानियां खत्म हो जाएगी? शायद इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें सच दिखा दिया। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे इस संसार में ना रहने से क्या तुम्हारे आई बाबा को सच में परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी? अपने प्राण देकर तुम अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो रही हो। तुम्हारी जिम्मेदारी जो अपने माता पिता के प्रति है, उससे तुम मुक्त हो रही हो। तुम भाग रही हो अपने माता पिता को दुख के भंवर में छोड़ के, अपने लिए आसान रास्ता चुन रही हो। कौन थे वो बाबा? कहाँ गए? लगता है वो मुझे जीवन दान देने आए थे। हे ईश्वर, आपने मुझे जान देने से तो रोक लिया, अब मेरी परेशानी भी हल कर दीजिए। मेरे आई बाबा को आने वाले संकट से बचा लीजिए। माँ चली गई है। सुगंधा, सुगंधा, हो सुगंधा, कहाँ चली गई थी तुम? पता कितना घबरा गया था मैं। ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया करो। तुम तो जानती हो ना कि मेरे लिए तुम कितनी महत्वपूर्ण हो, जानती हो कि नहीं? अब चलो, देर हो रही है, रात होने से पहले जंगल पार कर लेने में ही भलाई है। चलो। चलो भाई। बेवा, क्या बात है? और कितना समय लगेगा साईं को? बड़ी देर नहीं हो गई? साई देर करते नहीं, देर होने से बचाते हैं। क्यों हंसराज भाई? सुन रहे हैं ना? साई का कहा मान लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। साई, साई, साई। माफ करना, आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा सबको। शेफ, मैंने सुबह तुमसे कुछ मंगवाया था, लाए हो? जी सही। बता सकते हो ये क्या है?
करारा नहीं, ये इंसान की जिंदगी है। और ये हाथ जिसने इसे थाम रखा है, ये इंसान का विवेक। अगर इंसान अपनी जिंदगी विवेक के हाथों सौंप दे तो इसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। और अगर विवेक के हाथों में ना हो तो जीवन धाराशायी हो जाता है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक ना छोड़ें। राम जी हमारी कई प्रकार से परीक्षा लेते हैं। जब सामने कोई शत्रु या अड़चन हो तब तो हम उसे पहचान लेते हैं और सचेत हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल अच्छाई के भेस में भी आती है। कभी कभी लोग हमसे मीठी बातें करते हैं और उनके इस व्यवहार पर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, असावधान हो जाते हैं। हम लोगों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। चलना तो सभी को आता है, लेकिन रुकना कब और कहां है, ये जिसे समझ आ जाए वो इंसान सुखी है, सरस है। राज भाई क्या हो रहा है? क्या हुआ आपको? उबी का पानी पी लो, आराम मिलेगा। पानी पी लो। धन्यवाद साईं। अपना ख्याल रखना हंसराज, और दही का सेवन बंद कर देना। जी साईं।
ये लीजिए। सुगंधा और जावई बापू आ रहे हैं ना? हाँ, कल सुबह तक आ जाएंगे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो आज सुबह से मेरी दाइयां फड़क रही है, डर लग रहा है। डर? ऐसा डर? नहीं, फिर से कुछ ऐसा ना हो जिससे घर की शांति भंग हो जाए। कमल, तुम ऐसा सोच ही क्यों रही हो? क्योंकि इससे पहले ऐसा ही तो हुआ है। जब जब घर में कोई त्योहार, कोई उत्सव या खुशी का मौका आया है, तब तब कोई ना कोई परेशानियां तो जरूर आई है, और कारण हमेशा एक ही रहा है। कमल, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है कि गणेश की मेहनत और तैयारी अवश्य रंग लाएगी, और ईश्वर उसकी राह में कोई बाधा नहीं आने देंगे। तुम चिंता मत करो। साई, मटके में पानी इतना ही था, मैं अभी कुएं से भरकर ले आता हूँ। नहीं भीवा, थोड़ी देर बाद मैं सो ही जाऊंगा, और इतनी रात गए कुएं से पानी लेने जाना ठीक नहीं है। लेकिन साई, अगर रात बेरात आपको जरूरत पड़ी तो? मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुएं के आसपास फिसलन होती है, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देगी, इसलिए तुम घर जाओ और आराम करो। मुझे पता है साई, आप ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि आपको लगता है मैं बेवजह परेशान हो रहा हूँ। साई, अगर मैं आपके लिए पानी लाने नहीं गया ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। ये सोचकर कि कहीं आप प्यासे ना हो, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैं यूं गया और यूं पानी लेकर आया। देवकी, सुबह जो दही खरीदा था उसमें से शाम के लिए दही जमा के रखा था ना? फिर से दही? आप क्यों नहीं समझते हैं? साईं आपको बार बार सचेत कर रहे हैं और आप है कि सुनते ही नहीं। देवकी, साईं जानते हैं कि मेरी दही खाने की आदत नहीं छूटेगी। वो मुझे दही ना खाने के लिए बोलते हैं, पर मैं उनके सामने हाँ करता हूँ। वो भी समझते हैं कि मैं कितनी गंभीरता से उनकी बातों को ले रहा हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सालों से जो मेरी दही खाने की आदत नहीं गई, तो भला अब कैसे जाएगी। हे भगवान, आप क्यों नहीं समझते हैं? साई की हर बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। होता है, पर वो उन सब लोगों के लिए जिन्हें कोई परेशानी हो। मुझे थोड़ी ना कुछ ऐसा है। और देवकी, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि दही खाने से किसी को कोई परेशानी हुई हो। अब छोड़ो ये सब और बताओ, दही कहाँ है? दही नहीं जमाया मैंने। मैं जानता था तुम यही करोगी।
ये देखो, मैं जानता था तुम दही नहीं जमाओगी, इसीलिए मैं बाद में बाजार जाके फिर से दही ले आया था। हे भगवान, क्या करूं मैं अब इनका? करना क्या है, बस मुझे दही खिलाती रहो। गई ना चोट? समझाया था लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, गया और फिसल के गिर गया। देखिए ना, चोट लग गई। कहा था मैंने, सर बैठो। साई, आपके समझाने के बाद भी मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? जीवन में अक्सर ऐसा होता है भीवा। राम जी हमें किसी ना किसी रूप में गलती करने से रोकते हैं, संकेत देते हैं, कभी गुरु के रूप में तो कभी परिजन के। अगर हम समझ जाएं तो भला, और अगर ना समझें तो फिर राम जी ही सही सबक सिखाते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे ही जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दही नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, साई ने कहा है। इसमें बार बार साई का नाम मत लो तुम। भिक्षाम देही। मैं सुबह से कुछ ढूंढ रहा हूँ, पूरे गांव में नहीं मिला, तुम्हारे पास भी नहीं होगा। साईं आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, आपकी दया से घर में सब कुछ, फल अनाज सब्जियां। एक मिनट का दही। लेकिन तुमने तो दही खाना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास भी नहीं होगा ना।